हेलो फ्रेंड्स, समय से पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट सब कैटेगरी लिस्ट फॉर्म इन योर एक्सेस डेटाबेस। फ्रेंड, स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक सिंपल प्रोडक्ट फॉर्म है। अभी मैं ये प्रोडक्ट फॉर्म में सब कैटेगरी और ये कैटेगरी लिस्ट को ऐड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये कमांड बटन यूज करना होगा, जिसके जरिए आप ये साफ कैटेगरी लिस्ट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी नेम सेट करेंगे तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में साफ कैटेगरी और कैटेगरी लिस्ट ऐड हो जाता है। लाइक एग्जांपल, मैंने टैबलेट को सिलेक्ट किया है, तो देख सकते हैं ये साफ कैटेगरी। लाइक मैंने एग्जाम्पल 200 ग्राम टाइप किया था और ये कैटेगरी नेम टैप किया था, तो इसलिए ये साफ कैटेगरी और कैटेगरी नेम ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में ऐड हो गया। उसके बाद ये प्रोडक्ट नेम करके आप ये डिटेल्स प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सिखाने वाला हूँ कैसे ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में सब कैटेगरी इंक्लूड कैटेगरी नेम लिस्ट को कैसे सेव कर सकते हैं। तो फिर से मैं अभी ये कमांड बटन ओपन किया है, उसके बाद अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ ये प्रोडक्ट को कैसे सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ नोजल टाइप किया है तो ये नोजल कैटेगरी नेम डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह ये सर्च बटन की मदद से कैटेगरी नेम को भी सर्च कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मैंने ये सब कैटेगरी लिस्ट को कैसे तैयार किया है फ्रॉम माय वीडियो। एंड अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस तरह न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए फ्रेंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये कैटेगरी टेबल और ये सब कैटेगरी टेबल को मैंने कैसे तैयार किया। तो फ्रेंड, फर्स्ट वन आपको टेबल सब कैटेगरी टेबल को क्रिएशन करना है। गो टू द डिजाइन व्यू, ये सब कैटेगरी टेबल है। इंक्लूड फील्ड सब कैटेगरी आईडी, डाटा टाइप ऑटो नंबर, नेक्स्ट सब कैटेगरी नेम शॉर्ट टेक्स्ट, कैटेगरी आईडी नंबर, ताकि मैं ये कैटेगरी टेबल्स प्राइमरी की के साथ इसको रिलेशन कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये कैटेगरी आईडी डाटा टाइप नंबर रखा है। नेक्स्ट गो टू द कैटेगरी टेबल, उसके बाद आपको ये कैटेगरी टेबल को क्रिएशन करना है। गो टू द डिजाइन व्यू, फॉरेन की, प्राइमरी की, कैटेगरी आईडी, डाटा टाइप नंबर, नेक्स्ट कैटेगरी नेम शॉर्ट टेक्स्ट, उसके बाद आपको ये रिलेशनशिप करना है। गो टू द डेटाबेस टूल्स, क्लिक रिलेशनशिप। तो ये प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट टेबल इंक्लूड फील्ड आप देख सकते हैं ये सब कैटेगरी आईडी, प्राइमरी की फील्ड, सॉरी फॉरेन की फील्ड, और ये टेबल सब कैटेगरी आईडी प्राइमरी की के साथ रिलेशनशिप करना है। उसके बाद आप देख सकते हो रिलेशनशिप टाइप वन टू मैनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट अभी ये टेबल सब कैटेगरी के साथ टेबल कैटेगरी प्राइमरी की कैटेगरी आईडी रिलेशनशिप करना है, और ये रिलेशनशिप डिटेल्स आप देख सकते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप कैटेगरी आईडी और ये कैटेगरी आईडी फ्रॉम द टेबल सब कैटेगरी आईडी। तो इस तरह आपको ये टेबल प्रोडक्ट्स, टेबल सब कैटेगरी और टेबल कैटेगरी टेबल को रिलेशनशिप करना है। नेक्स्ट कैटेगरी और सब कैटेगरी डिटेल्स प्रोडक्ट रिकॉर्ड एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल कैटेगरी टेबल को ओपन करना है। उसके बाद ये कैटेगरी पाउडर, नेक्स्ट जॉइन क्लिक डिफरेंस टेबल, सब कैटेगरी आईडी और ये सब कैटेगरी नेम। लाइक मैंने यहाँ पे 40 ml टाइप किया है। तो ये है सब कैटेगरी नेम ऑफ पाउडर कैटेगरी नेम। तो नेक्स्ट गो टू द कैटेगरी आईडी टेबल, जहाँ मैंने आईडी में ये फॉर्मेट फील्ड डिस्प्ले किया है, डिजिट्स आप देख सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड डिजिट्स आप फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये आईडी नंबर में कोई भी नंबर एंटर करके ये इंक्लूड डिजिट्स नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट गो टू द प्रोडक्ट फॉर्म, राइट क्लिक द डिजाइन व्यू,
उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में सब कैटेगरी और कैटेगरी अनबोर्ड टेक्स्ट बॉक्स को क्वेश्चन करना होगा। उसके बाद सब कैटेगरी नेम आप देख सकते हैं, टीएक्सटी सब कैटेगरी और ये कैटेगरी नेम टीएक्सटी कैटेगरी। उसके बाद कैटेगरी आईडी अनबोर्ड टेक्स्ट बॉक्स टीएक्सटी सब कैटेगरी आईडी क्रिएशन करना है। देन आप ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में कमांड बटन यूज़ करना पड़ेगा, गो टू द कंट्रोल्स, उसके बाद कमांड टैप करना है और ड्रैग करना है। देन कमांड लिंक आपको ऑन इवेंट प्रोसीजर कोड यूज़ करके आप इन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये अनबोर्न, नेक्स्ट ये कमांड ओपन फॉर्म डिस्प्ले करेंगे, लाइक प्रोडक्ट सब कैटेगरी लिस्ट, गो टू द एफएलएम सब कैटेगरी लिस्ट फॉर्म। तो ये है फॉर्म सब कैटेगरी लिस्ट। तो अभी मैं ये सब कैटेगरी लिस्ट फॉर्म को कैसे तैयार किया आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड? ओके ऑलराइट, नेक्स्ट गो टू द डिजाइन व्यू। तो पहले मैं ये डिटेल्स एरिया में सर्च अनबोर्न टेक्स्ट बॉक्स क्रिएशन किया है, उसके बाद ये अनबोर्न टेक्स्ट बॉक्स नेम टैग किया है टीएक्सटी सर्च फॉर सर्चिंग कैटेगरी नेम। देन ये अनबोर्न टेक्स्ट बॉक्स इवेंट ऑन किया फॉर्म इवेंट प्रोसीजर कोड यूज़ करना है, गो टू द इवेंट प्रोसीजर कोड। उससे पहले मैं अभी ये डिटेल्स एरिया में लिस्ट बॉक्स ऐड करके दिखाने वाला हूँ, गो टू द कंट्रोल्स, क्लिक लिस्ट बॉक्स, ये है लिस्ट बॉक्स। उसके बाद डिटेल्स एरिया में आपको ऐसे ड्रैग करना है, उसके बाद ड्रैग करने के बाद एक डायलॉग डिस्प्ले हो जाएगा, वो डायलॉग को आप कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अनबोर्न टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करके प्रॉपर्टीज शीट में जाना है, उसके बाद गो टू द फॉर्म सब कैटेगरी लिस्ट, उसके बाद आपको ये लिस्ट बॉक्स नेम टाइप करना है एलएसटी कैटेगरी। तो ये मेरा सब कैटेगरी लिस्ट बॉक्स नेम है। तो उसके बाद फॉर्म में फॉर्म लोड कोडिंग यूज़ करना है, गो टू द एफएलएम सब कैटेगरी लिस्ट फॉर्म, क्लिक इवेंट टैप, नेक्स्ट अनलोड इवेंट प्रोसीजर कोड यूज़ करेंगे फॉर डिस्प्लेइंग लिस्ट बॉक्स कैटेगरी और सब कैटेगरी नेम डॉट टू ओपन्स कोड। तो ये है फॉर्म लोड कोड, आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन किया है डीम एसक्यूएल एस स्ट्रिंग कनेक्शंस प्रोजेक्ट स्टेट, उसके बाद एसक्यूएल स्टेटमेंट आप देख सकते हैं ये इंक्लूड स्टेटमेंट है, टेबल सब कैटेगरी, टेबल सब कैटेगरी, टेबल नेम सब कैटेगरी नेम एस सब कैटेगरी नेम और टेबल कैटेगरी, टेबल से कैटेगरी आईडी और ये टेबल कैटेगरी से कैटेगरी नेम, नेक्स्ट एस कैटेगरी नेम फ्रॉम टेबल कैटेगरी इनर जॉइन, जॉइन टाइप आपको टाइप करना है, उसके बाद टीबीएल सब कैटेगरी ऑन टीबीएल कैटेगरी फ्रॉम कैटेगरी आईडी इक्वल टू टीबीएल सब कैटेगरी इनर जॉइन कैटेगरी आईडी ऑर्डर बाय टीबीएल टेबल कैटेगरी आईडी, उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज। इस तरह आपको ये लॉन्ग एसक्यूएल स्टेटमेंट टाइप करना है, देन कासा टाइप और लोकेशंस लॉग टाइप ओपन एसक्यूएल, उसके बाद लिस्ट बॉक्स नेम रिकॉर्ड सॉर्ट आरएस यूज करना है, देन ये फॉर्म कोड सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये सब एफएम सब कैटेगरी लिस्ट अनबोर्न लिस्ट बॉक्स में आप डिटेल्स कैटेगरी नेम और सब कैटेगरी नेम डिस्प्ले कर सकते हैं। देन अभी मैं फॉर्मेट प्रॉपर्टी शीट डिजाइन करने वाला हूँ, क्लिक अनबोर्न टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद कॉलम
काउंट आप देख सकते हो 4 नंबर ऑफ कॉलम काउंट। नेक्स्ट कॉलम वाइट 0202, देन अपन ली सब कैटेगरी नेम और कैटेगरी नेम को डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट ओपन द सब कैटेगरी लिस्ट फॉर्म, देख सकते हो फ्रेंड ये सब कैटेगरी नेम और ये कैटेगरी नेम डिस्प्ले होगी, क्योंकि मैं ये वाइट साइज सिलेक्टेड सब कैटेगरी नेम और कैटेगरी नेम इंक्लूड किया था, तो इसलिए यहाँ पे ओनली सब कैटेगरी नेम और कैटेगरी नेम डिस्प्ले हुआ है। नेक्स्ट अभी मैं ये सर्च अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स में कि आप कोड यूज़ करने वाला हूँ, क्लिक अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स, गो टू द प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट क्लिक इवेंट एफ, गो टू द ऑन की आप इवेंट प्रोसीजर कोड फॉर सर्चिंग कैटेगरी नेम कोड यूज़ करना है। देख सकते हैं ये कनेक्शन कोड है, डिक्लेरेशन ये कोड सेट एसक्यूएल स्टेटमेंट एस स्ट्रिंग, उसके बाद ये एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल टीबीएल कैटेगरी व्हेयर कैटेगरी नेम लाइक मैं सर्च करना हलो टीएसटी सर्च बॉक्स ऑर्डर बाय कैटेगरी आईडी, देन अब ये सर्च बॉक्स में कोई भी कैटेगरी नेम टाइप करके वो कैटेगरी नेम डिटेल्स रिकॉर्ड को शो कर सकते हैं। उसके बाद कर्सर टाइप लोकेशंस लॉक टाइप और ये ओपन एसक्यू टाइप डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड विथ और लास्ट लाइन सेट लिस्ट बॉक्स नेम डॉट रिकॉर्ड सेट इक्वल टू रेक, नेक्स्ट लिस्ट बॉक्स सेट 0 इक्वल टू ट्रू, देन ये कोड सेव करके लिस्ट बॉक्स लिस्ट और फिल्म को डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये सर्च बटन में कोई भी कस्टमर और कैटेगरी कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी नेम टाइप करके सर्च और डिस्प्ले कर सकते हैं, लाइक पाउडर, तो देखा फ्रेंड ये कैटेगरी नेम पाउडर डिस्प्ले हुआ है। तो इस तरह आप ये सब कैटेगरी लिस्ट में सर्च बटन यूज़ करके कोई भी कैटेगरी नेम सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड अभी मैं ये प्रोडक्ट फॉर्म में कमांड बटन यूज़ करने वाला हूँ। नेक्स्ट टू द कमांड बटन, उसके बाद ये कमांड बटन में इवेंट प्रोसीजर कोड यूज़ करके ये सब कैटेगरी लिस्ट फॉर्म को ओपन कर सकता हूँ। नेक्स्ट गो टू द इवेंट प्रोसीजर कोड, ये सिंपल सा एक कोड है फॉर ओपनिंग एफआरएम सब कैटेगरी लिस्ट, उसके बाद एक नॉर्मल कोड यूज़ करना है। तो ये कोड के जरिए आप कमांड बटन यूज़ करके एफआरएम सब कैटेगरी लिस्ट फॉर्म को डिस्प्ले कर सकते हैं। गो टू द प्रोडक्ट फॉर्म, देन चेक करते हैं, क्लिक और टाइप प्रोडक्ट नेम लाइक एसी लॉक। नेक्स्ट अभी मैं ये सब कैटेगरी और कैटेगरी लिस्ट कमांड में क्लिक करके सेट इट करना हूँ, ओपन एफआरएम सब कैटेगरी लिस्ट, तो देख सकते हो ये लिस्ट बॉक्स में कैटेगरी नेम और सब कैटेगरी नेम डिस्प्ले हुआ है। नेक्स्ट सिंपली क्रीम सिलेक्टेड किया है, तो देख सकते हैं फ्रेंड ये क्रीम सब कैटेगरी और कैटेगरी नेम यहाँ ऐड हो गया। नेक्स्ट एसी लॉक का ये डिटेल्स सब कैटेगरी लाइक टैबलेट 200 GM, देन ये सेव बटन की मदद से ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूड सब कैटेगरी और कैटेगरी डिटेल्स लिस्ट रिकॉर्ड को भी सेव कर सकते हैं, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटर में ये इंक्लूड प्रोडक्ट फॉर्म में सब कैटेगरी और कैटेगरी लिस्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो फिर इस तरह आप ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फॉर्म में ये सब कैटेगरी और कैटेगरी लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।